आप सबको मेरा सुप्रभात। अनेकता में ही एकता ही शान है, इसलिए हमारा भारत महान है। आप सबको 74 स्वतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल इस स्वतंत्र दिवस को हम उत्साह से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस साल इस महामारी कोरोना के वजह से हम नहीं मिलकर मना रहे हैं। कोई बात नहीं, हम अगले साल मनाएंगे मिलकर। हम इस आजादी हमको मिला है, इसके पीछे बहुत सेनानियां नेताओं के बलिदान है। 200 वर्ष हमारे भारत ब्रिटिश शासन के गुलामी थे, उसके काम कर रहे थे, उसको आजाद नहीं थे। लेकिन कुछ नेताओं ने, हम देख सकते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चाचा नेहरू, अनेक मंगल पांडे, अनेक हम नेताओं ने अपना प्राण को बलिदान देकर हमको इस आजादी को दिलाया है। हमको इस सभी को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हमको आजादी मिला है, फिर भी एक तरह हमको आजादी नहीं मिला है। किस तरह कि हम देख सकते हैं, एक महिला रात 12 बजे रास्ते पर जा सकती है, तभी हमको आजादी मिल सकता है। ये हमारा महात्मा गांधी का ये सपना है, लेकिन अभी भी ये नहीं पूरा हुआ है ना। आप देख रहे हैं, कोई जा सकते हैं रात पर? नहीं जा सकते हैं। हम इस आजादी को दुरुपयोग भी कर रहे हैं कुछ लोग। किस तरह? इस पर्यावरण को कलुषित कर रहे हैं, इस प्लास्टिक को उपयोगित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 5 जून हम पर्यावरण के दिन मना रहे हैं। कम इस दिन हम मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हम इस पेड़ को काट देते हैं अपने वस्तु बनाने के लिए पेड़ को, इसलिए ये हरियाली बहुत कम हुई है। हम देख रहे हैं इस पर्यावरण किस तरह हुए बहुत कलुषित हो रहे हैं। हमारे इस जीवन में बहुत हम प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इस दिन को हम हमेशा याद करना चाहिए। हम 15 अगस्त 1947 को हमको ये स्वतंत्र दिवस मिला है, स्वतंत्र मिला है। हम हर साल इसको मनाते आ रहे हैं। 47 साल हुआ है अभी यहाँ तक। आप देख सकते हैं ये धर्म के बीच, हिंदू धर्म और मुसलमान, ये दोनों के बीच में ये झगड़ आप देख सकते हैं। क्यों चाहिए इस झगड़? हम देख सकते हैं ये महात्मा गांधी जी ने कहा है एकता, उसका एक आशा है, एक सपना है, वो भी अभी पूरी नहीं हुआ है। ये झगड़ रहे हैं किसके लिए? ये हम सब एक है। हम इस भारत में जन्म लिया है, मतलब हर हिंदू मुसलमान क्रिस्त, ये तीनों धर्म में एक हम मिलजुल कर रहना चाहिए। हम हमेशा झगड़ना नहीं चाहिए, हम सब एक हैं। इसी तरह मेरा कुछ बात में करके मैं यहाँ पर अंतिम कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।